अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक प्रॉब्लम के हवाले से है, क्योंकि IRIS का जो इंटरफेस है वो चेंज हुआ है, तो उसमें ना कुछ एरर्स आ रही हैं कुछ नई चीज़ों की वजह से। तो उसमें एक ये भी चीज़ आ रही है कि जिस वक्त पे वेजिस की ऑप्शन में आप पे लिख के कैलकुलेट का बटन प्रेस करते हैं, तो इधर नीचे आपको ये एरर नज़र आ रही है। ठीक है, जब तक ये एरर ख़त्म नहीं होगी आगे ये हम इसके अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले हम इसको ख़त्म करते हैं। इसके लिए मैं ये पहले मैंने एक पेज ओपन किया हुआ था, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। पहले ड्राफ्ट के अंदर ये जो फाइल पड़ी हुई है उसी को हम पहले चलें डिलीट करते हैं। शुरू से आपको मैं दिखाता हूँ। इस इंटरफेस के मुताबिक आपने ये डिक्लेरेशन की ऑप्शन पे जाना है फाइल करने के लिए, फिर इधर रिटर्न स्टेटमेंट की ऑप्शन है इधर जाना है, और फिर नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट इधर आपने ईयर्स लिखना है, 2023 मैंने सेलेक्ट किए, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इधर पेज आ जाएगा। तो इधर पहले मैं दोबारा लिख के देखता हूँ, इसलिए मैंने एक पे लिखी है, कैलकुलेट का बटन प्रेस करूँगा तो ये एरर आ गई। इसको अब ख़त्म करने का ये तरीका है कि इधर से आपने टैक्स चार्जेबल की ऑप्शन पे जाना है, ये वाली टैक्स चार्जेबल पेमेंट, और उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलिवेंट रिड्यूस टैक्स, इस ऑप्शन के ऊपर आपने जाना है। इधर से फिर आपने नीचे आना है और इधर आप देखेंगे एक जगह पे ना आपको अमाउंट लिखी हुई नज़र आ जाएगी। तो ये आ गई है, इस अमाउंट को आपने इधर से ज़ीरो कर देना है, इधर से भी आप ज़ीरो करेंगे और इधर से भी आप ज़ीरो करेंगे। उसके बाद आप कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे। अब इसके बाद अब दोबारा अगर आप ऑप्शन पे आए एम्प्लॉयमेंट में सैलरी की ऑप्शन में, तो इधर आप देखें वो जो पे है वो अब उधर खुद बखुद चली गई है, कैलकुलेट होकर चली गई है। ठीक है, तो ये एक एरर है और इसका ये सलूशन है।